उठो, अरे उठो ना, अरे उठो तो कह रही हूँ। क्या सुबह सुबह फोन क्यों लगा रहे हो? थैंक यू। उठो तो सही, उठो ना, उठो पहले। उठता हूँ, अभी उठता हूँ। देखो क्या रखा है तुम्हारे सिरहाने में, क्या है? कुछ है? थैंक यू। ये क्या लिखा है? हैप्पी बर्थडे माय लव। और ये क्या रखा है? ये टॉफी है, खा लेना, बड़ी सी। इतनी बड़ी टॉफी रखी है? क्या है? बोलो। हाँ खोलो। थैंक यू वेरी मच। और यू गिफ्ट, क्या है यार ये? वॉच। अच्छे से खोलो ना, कैसे खोल रहे हैं? तो ओ वाह, अरे टीशर्ट, मैंने सोचा कुछ और। चॉकलेट, थैंक यू वेरी मच। अभी खाएंगे फिर बात में। ठीक है। टीशर्ट भी, थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। कितने थैंक यू बोलोगे? आज कोई पहनूंगा यार, चलो बर्थडे के लिए थैंक यू। जल्दीबाजी में लिया ना? अरे कोई नहीं, अच्छी है, बेस्ट है। तो अभी मैं और कल्पना जा रहे हैं नथवा खान। कल्पना की डिमांड थी यार केक। तो यार मैंने कहा केक थी कुछ अलग। अब देखो वैसे तो मैंने आइसक्रीम का ऑर्डर किया हुआ है और आता क्या है देखते हैं। अब तो आज जलेबी भी लेंगे और आइसक्रीम, दो डिश और पनीर, बहुत है इतना सब कुछ। क्यों कल्पना? बनाऊंगी। ले लिया पनीर, छोले मसाला। आज पता नहीं कल्पना क्या क्या स्पेशल बनाने वाली है। और आज आए हैं हम अपने सेठ जी की दुकान पर, वो यहाँ है नहीं तो उनके पिताश्री हैं, बड़े सेठ जी। हम इनकी शॉप पे हैं और हम यहीं पर आते हैं और नथवागन की सब सामान जहाँ मिल जाए वो दुकान है यहाँ सुभाष जनरल स्टोर पर। और सबसे बड़ी बात, इनकी होम डिलीवरी है, वो भी एक अच्छा अवसर होता है हम लोग के लिए, क्योंकि दूर दूर सामान ना मिल पाए तो यहाँ से होम डिलीवरी हो जाती है। कुमाऊं हिल बेकरी में और कल्पना की डिमांड थी केक, और भैया ने केक नहीं बनाया है, वो ज्यादा बेस्ट है। अभी हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? पेस्ट्री और चॉकलेट, नहीं सॉरी, पेस्ट्री और फैमिली पैक आइसक्रीम। पेस्ट्री और फैमिली पैक आइसक्रीम। तो अभी हम आपको घर जाते जाते मिलते हैं। तो हम सारा सामान पैक करिए, भैया पैक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, तो आप जब भी नथवा खान आते हैं, जब भी हमारे रामगढ़ से होते निकलते हैं तो कुमाऊं हिल बेकरी पे पक्का रुके, और यहाँ का जो टेस्ट है केक का और पेस्ट्री का, पेटीज का, वो लाजवाब, आप देखिए आपको मजा आ जाएगा। सब कुछ फ्रेश एकदम चकाचक। तो देखिए कितना फीके यार, बस नथवागन से यहाँ पर आने में बारिश के समय मजे है ना। कल खुद बारिश में चली हो, बारिश इतनी तेज है, बहुत ज्यादा यार, देख रहे हैं। तो इस समय ऐसे बारिश में ना निकले, घरों में रहे, सेफ रहे। अचानक से बारिश होगी, अभी तो हम तो कार से आते हैं पक्का सी। और ओ, अभी मिलते हैं घर पे, देखते हैं कैसे हुए, भीग के बाय बाय, फिर मिलते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, पैलाग, कैसे आप लोग? आज मेरा बर्थडे है, आज सभी लोगों ने विश किया, जन्मदिन की मुबारकबाद दी, बहुत अच्छा लगा। काफी चाहने वाले लोग हैं और मेरे YouTube से भी फैन हैं जिन्होंने मुझे बर्थडे विश किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो हर वर्ष की भांति इस बार भी अपने जन्मदिन पर मैं एक वृक्ष लगाता हूँ, और इस बार तो लगभग अभी मैंने वृक्ष तो 8 या 9 वृक्ष हो चुके हैं, यानी कि जब से मैं लगा रहा हूँ तब से लगातार। तो आज मैं और कल्पना चले हैं फिर एक बार पुनः वृक्ष लगाने, और आज फिर हम एक कनेर वृक्ष लगाएंगे, जो लगाएंगे हम रास्ते पर, जिससे कि हमारा रास्ता सुरक्षित रहे, सही रहे। तो चलें कल्पना, चलते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। ये हमारी लगी हुई है हरी मिर्च, और ये पूरी ऑर्गेनिक। तो कल्पना जब भी हरी मिर्च देती है तो यहाँ से तोड़ के कल्पना लेके आती है, और ये काफी शानदार और स्वच्छ ऑर्गेनिक हरी मिर्च है ये, और इसको मेरे इजा बाबू ने लगाया है यहाँ पर। तो हम लोग लगभग 90% अपने घर की सब्जियां खाते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां। ये देखिए हमारे पास टमाटर भी लगे हुए हैं, और काफी सारे टमाटर हैं हमारे पास, सब ऑर्गेनिक। जो भी हमारे गेस्ट लोग आते हैं तो हम उनको ऑर्गेनिक खाना खिलाते हैं, वो भी काफी खुश होते हैं। और बहुत सारे लोग तो हमारे खेती पे भी आते हैं देखने की किस तरह से खेती हो रही है। और ये हमारे स्वरोजगार के तहत मछलियों का पालन भी किया है हमने होम स्टे के साथ साथ, तो काफी सारी मछलियां हैं हमारे पास। ये जो मछली दिख रही है आपको, ये ट्राउट मछली है, और हमारे पास बहुत सारी मछलियां, जो बड़ी मछलियां हैं वो नीचे रहती हैं, लगभग ऊपर आने से डरती हैं, तो इसमें बड़ी मछलियां भी काफी हैं। वो देखिए आपको सामने दिख रही होंगी बड़ी मछलियां, तो आती नहीं है बड़ी मछलियां, थोड़ी डरती हैं। तो आज कल्पना ने टिसल दी है काफी बेहतरीन गिफ्ट पर, थैंक यू कल्पना। तो जैसे हम मेरा जो मकसद है, मेरा पेड़ लगाने का मकसद ये है कि कल के दिन मैं रहूं या ना रहूं, जाना तो एक दिन है यार, मैंने क्या तुमने क्या सबने जाना है। तो अगर ये पेड़ रहेंगे तो कल के दिन याद रहेंगे इसके साथ, आने वाली जो पीढ़ी होगी वो समझेगी इस पर्यावरण को, जो पर्यावरण ने हमें दे रखा है, जो इस वातावरण ने हमें दे रखा है, कि हमें क्या मिला है इस वातावरण से, शुद्ध हवा, शुद्ध जल। तो आने वाली जो भी पीढ़ी होगी उसको ये संदेश मिले कि ये पेड़ इसने लगाया था, क्यों लगाया था, उसके पीछे एक छोटी सी कहानी होगी हर पेड़ के पीछे। तो कल्पना आप भी बताएं कुछ वृक्षों के बारे में। हाँ, तो मैं भी ये कहना चाहूँगी, जैसे हमारी एज तो दिन पर दिन घटती जा रही है, तो हम क्यों ना ऐसा काम करके जाएं, या जैसे पेड़ के माध्यम से हम पेड़ लगा रहे हैं, तो आने वाली जनरेशन के लिए, जैसे आजकल पर्यावरण अशुद्ध हो रहा है, तो हम पेड़ लगाएंगे जिससे उनके लिए काफी अच्छा एक जो पर्यावरण है वो अच्छा रहेगा और अच्छा क्रिएट हो जाएगा, जिससे उनको स्वस्थ शुद्ध हवा मिलेगी। बिल्कुल, तो हम लोग करते हैं पेड़ लगाने की शुरुआत, आप लोग भी पेड़ जरूर लगाएं, अवश्य लगाएं। और अर्जुन अभी पेड़ लगाने के लिए यहाँ पर उसके लिए जगह बना रहे हैं, उसे खोद रहे हैं। देखिए यहाँ की जो मिट्टी है, इसका जो कलर है, देखिए आप यहाँ पर तो गड्ढा हमने बना दिया है, बिल्कुल ये गड्ढा बना दिया हमने, तो पेड़ लगाए फिर। बिल्कुल, सबसे पहले तो हमने इस पेड़ की जो इस पर पन्नी लगी हुई थी, पन्नी निकाली हमने, पन्नी उधर रखी है, उसको भी ऐसी जगह रखेंगे जिससे पॉल्यूशन ना हो। तो अब हम इस पेड़ को यहाँ पर लगाते हैं इस जगह पर, और वैसे तो अगले साल से इस पेड़ का भी जन्म दिवस होगा, क्योंकि मैं जितने भी हर साल, जब से मतलब मुझे लगा कि पेड़ लगाने चाहिए अपने जन्म दिवस पर, तो मैं हर साल पेड़ लगाता हूँ। वैसे हमारा टारगेट था, मेरा टारगेट था 500 पेड़ों का, तो मैं पूरा नहीं कर पाया लगभग, लेकिन 150 से ऊपर पेड़ मैंने फिर भी लगाए इस वर्ष। हमारी पूरी टीम ने, जो भी मेरे साथ हेल्प करने आते हैं, जैसे कल्पना और कई काफ़ी सारे हैं, मेरी फैमिली भी काफ़ी हेल्प करती है, तो हम इस पेड़ को लगाते हैं यहाँ पर। और जो भी मैंने पेड़ लगा रखे हैं उनका भी मैं बर्थडे मनाता हूँ, जैसे आज सुबह मैंने और कल्पना ने सारे पेड़ों को विश किया हैप्पी बर्थडे कर कहकर। कल्पना कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कल्पना कैसा लगा आपको ये पेड़ लगाना वर्ष अपने मतलब की जन्म दिवस पर? मुझे बहुत अच्छी सोच लगी एक, कि जैसे हम लोग तो अपना बर्थडे मनाते हैं, साथ ही जो हम पेड़ लगाते हैं उनका भी हम बर्थडे मनाते हैं, हमें पता लगता है कि ये इतने साल का हो गया है अब। और मुझे एक बहुत अच्छी सोच भी लगी जो दूसरों को भी सीखनी चाहिए, क्योंकि इंसान अपने कामों में आजकल इतना उलझ गया है कि वो अपने पर्यावरण से प्यार करना बिल्कुल ही भूल गया है। पहले से कितने लोग पर्यावरण प्रकृति प्रेमी हुआ करते थे, आजकल ये सब आजकल सब दूर हो रहा है, सब अपने काम के पीछे पीछे, बहुत सारा काम का लोड हो गया है सब पर। तो इसलिए कभी भी आपको टाइम मिले तो एक पेड़ जरूर लगाइए, जरूर
जिससे आपको भी शुद्ध हवा मिलेगी और दूसरों को भी इसका फायदा पूरा पूरा मिलेगा। बिल्कुल, आजकल तो सब बिजी हैं। किस पे? मेरा बचपन का प्यार, मेरा वो संसार। तो यार इस सब से निकलकर थोड़ा सा अपनी पर्यावरण के भी प्रति भी जागरूक होना है, और इसलिए जागरूक होना है क्योंकि आने वाले पीढ़ी और हमें सबको अच्छी हवा मिल सके, अच्छा जल मिल सके, अच्छा वातावरण मिल सके। तो प्लीज गाइज, आप लोग भी पेड़ लगाएं और अपने पर्यावरण को शुद्ध बनाएं, और जो हमारा उत्तराखंड कानून भू कानून है उसको भी बचाएं। तो आप लोग भी अपनी जमीनों पर ध्यान रखें, बेचें ना। ये देखिए, हमने इस पेड़ का नाम लिखा है कनेर वृक्ष, और ये आज की तारीख भी नोट कर रखी है इसमें, क्योंकि इसका जन्मदिन हम अगले साल मनाएंगे। और इस पे नीचे मैंने नाम भी लिखा हुआ, क्योंकि ये मैंने अपने बर्थडे पर, तो जैसे ही कल्पना का बर्थडे आएगा उस दिन हम एक पेड़ और लगाएंगे। तो इस तरह से हमारे घर पे जितने सदस्य हैं उस हिसाब से पेड़ों की काउंटिंग कर लीजिए आप कितने हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसको रख दूंगा कल्पना। हाँ, इसे रख दो आप, इसका नाम भी पता चल जाएगा जो आएगा यहाँ पर। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ, अब तो हमारे जो भी होम स्टे पे गेस्ट लोग आते हैं वो इस चीज को देखकर इतना इम्प्रेस होते हैं कि वो लोग भी बोलते हैं कि हमें भी पेड़ लगाना है। तो हमारे कुछ गेस्टों ने, मैंने पुरानी वीडियोस पे भी डाला था, उन्होंने भी पेड़ लगाने शुरू कर दिया हमारे यहाँ पर आकर। अब जब एक साल का पेड़ हो जाएगा उनको मैं फोटोग्राफ भेजूंगा इंस्टाग्राम में, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। तो आप लोग भी आए और एक पेड़ जरूर लगाएं प्लीज। पिछले साल यानी कि 5 अगस्त 2020 को, और ये बांस का पेड़ है, आज देखिए एक साल बाद कितना बड़ा हो गया है पेड़। तो दोस्तों मैं हर साल लगाता हूँ आपको, 2019 का भी पेड़ मैंने दिखाया था आपको, और ये 2020 का और 2021 का भी लगा दिया है, और 2018 का भी दिखाऊंगा अभी आपको, क्योंकि वो पेड़ थोड़ा दूर है यहाँ से, तो काफी सारे पेड़ लगा दिए हमने। और आपको एक चीज और दिखाता हूँ, कल आप भी आइए कल्पना। तो मैं जो बोल रखा आपको एक चीज और दिखाऊंगा, ये देखिए वृक्षारोपण, ये भी कनेर का वृक्ष है, श्री राजेश गुप्ता एवं मंजू गुप्ता, ये आए थे हमारे पास 30 सितंबर 2021 को, और उन्होंने भी ये वृक्ष लगाया था यहाँ पर, कनेर का वृक्ष। तो आज ये भी 6 दिन का वृक्ष हो गया है, और आप देखिए ये भी अभी खिल रहा है और धीरे धीरे खिलेगा। तो इस तरह से आप भी पर्यावरण को बचा सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं हमारे सामने उस जगह पर जहाँ पर शीतल जल बह रहा है, और वो जो मन की प्यास होती है, जो हमें प्यास लग रही थी उसको पीने के बाद अलग आनंद आ जाता है, जो हमें प्यास लग रही थी आत्मा तृप्त हो जाती है। तो यार इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग भी वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं और शुद्ध जल पिए, जिससे आपका शरीर स्वस्थ, मन तन सब स्वस्थ रहेगा। इसलिए आपसे फिर बारंबार कह रहे हैं, पर्यावरण बचाएं, पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं। तो सब लोग अपने बर्थडे पर केक काटते हैं, तो इस बार उस केक के पैसे से एक पेड़ खरीदिए और पेड़ लगाएं। वो पेड़ आपको हर साल शुद्ध हवा देगा, शुद्ध पानी देगा, और बहुत कुछ देगा वो पेड़ आपको, एक सीख देगा जिससे कि हमें पता चले कि ये पेड़ हमने लगाया था, और पता लग जाएगा कि हमने पेड़ कितने वर्ष पहले लगाया था। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, बने रहिए हमारी वीडियोस पर आगे भी, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। पेड़ लगाइए और सबका जीवन बचाइए। बिल्कुल, तो गाइज मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।